नमस्कार ग्लिप्स डॉटिंग में आपका स्वागत है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और भूपेश बघेल ने कांग्रेस भवन में शक्ति ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा इस प्रोजेक्ट शक्ति से अब पार्टी के आम कार्यकर्ता की आवाज और सुझाव सीधे नेतृत्व तक पहुंचेंगे। इस प्रोजेक्ट से पूरा कांग्रेस परिवार एक सूत्र में जुड़ेगा। शक्ति के जरिए कांग्रेस पार्टी का संदेश पूरे भारत में पहुंचाया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के शक्ति प्रोजेक्ट अभियान की शुरुआत की। शक्ति प्रोजेक्ट के माध्यम से एक तरफ से संचार क्रांति से सभी ब्लॉक और जिला अध्यक्षों को प्रदेश नेतृत्व से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पार्टी नेतृत्व हर कार्यकर्ता से जुड़ना चाहता है, उनसे संवाद स्थापित करना चाहता है। इस ऐप से जुड़ने के लिए मतदाता नंबर टाइप कर SMS करना होगा। इस अवसर पर PL पुनिया, नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव, चरणदास महंत, सत्यनारायण शर्मा, सभी जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक ली। बैठक में PCC अध्यक्ष भूपेश बघेल, प्रभारी सचिव अरुण उराव और चंदन यादव भी शामिल थे। बैठक के दौरान कांग्रेस प्रोजेक्ट शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट शक्ति के माध्यम से एक तरफ से संचार क्रांति से सभी ब्लॉक और जिला अध्यक्षों को प्रदेश नेतृत्व से जोड़ा जाएगा। ये संगठन का इंटरनल मैकेनिज्म है जिससे पूरा प्रदेश के कांग्रेसियन एक परिवार की तरह से एक नेटवर्क से जुड़ जाएं। और इसमें सुविधा ये है कि राहुल गांधी जी से हमारा बूथ अध्यक्ष या पारा टोला के प्रभारी वो सीधे जुड़ सकेंगे, वो सीधे उनसे मैसेज कर सकते हैं, उनसे संदेश ले सकते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ऊपर से जो संदेश देना चाहेंगे वो एक सेकंड में नीचे तक पारा टोला अनुभाग प्रभारी तक पहुंच जाएगा। तो ये एक बड़ा कदम है और इससे पार्टी मजबूत होगी, इससे हर तरह की सुविधा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके उनको प्राप्त होगी। नहीं, ये तो इसी में प्रक्रिया में निहित है। ये जहाँ भी है इसमें जिन जिन लोग भी लॉगिन करेंगे, जो मैसेज भेजेंगे, वो शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे। लेकिन फाइनल उसकी लिस्ट स्क्रीनिंग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा देखकर कि हाँ ये हमारे लोग हैं, वो उसी आधार पर फाइनल की जाएगी। For more information, log on to www.clips.in.